नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल करियर ज्ञान के फिर से नए वीडियो में। तो इस वीडियो में बताऊंगा दोस्तों सीआरपीएफ कांस्टेबल रिक्रूटमेंट 2022 के बारे में बताऊंगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले जरूर आपके लिए दोस्तों, पर आप मेरे चैनल को न्यू विजिट कर रहे हैं दोस्तों, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। सामने एक बेल आइकन लगा, तो बेल आइकन प्रेस करने से क्या होगी, इतने में सर मैं दोस्तों प्राइवेट और गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड वीडियो लाता हूँ दोस्तों, आप सबसे पहले यूट्यूब पर पा सकेंगे। तो लो वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। ये जो भर्ती, जैसे कि देख पा रहे सीआरपीएफ की तरफ से बम्पर भर्ती है 2022 के लिए। बात की है तो ये दोस्तों बहुत सारे बटालियन की भर्ती है दोस्तों सीआरपीएफ में। टोटल इसमें दोस्तों पोस्ट की बात करें तो 21,556 पोस्ट की इसमें आपको भर्ती मिल जाएगी दोस्तों। पोस्ट का नाम है कॉन्स्टेबल पद की ये भर्ती है दोस्तों। अप्लाई मोड की बात करें, ऑनलाइन के जरिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो होकर अप्लाई ऑल इंडिया कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों, मेल फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। ये जो जॉब है दोस्तों ऑल ओवर इंडिया कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी की बात की तो 18,000 से लेकर दोस्तों 69,100 आपको सैलरी मिल जाएगी। एप्लीकेशन फ़ी की बात की जैसे कि देख पा रहे हैं जनरल ओबीसी के लिए 100 रुपये फीस है दोस्तों, फीमेल एंड एससी एसटी कैंडिडेट जो है दोस्तों इसमें कोई भी फीस नहीं लगेगा। एज लिमिट की बात की तो दोस्तों इसमें मिनिमम जो इसमें दोस्तों एज है दोस्तों 18 ईयर है दोस्तों, एंड मैक्सिमम एज जो है दोस्तों 23 ईयर इसमें एज रखी गई है। अगर बात की दोस्तों एज की बात की, 1 अप्रैल 2022 से आपकी 18 ईयर कंप्लीट होना चाहिए। रिलैक्सेशन की बात करें तो दोस्तों एससी एसटी के लिए दोस्तों यहाँ पर आपको मिल जाएगा 5 साल की रिलैक्सेशन, एंड ओबीसी कैंडिडेट के लिए इसमें आपको मिल जाएगा दोस्तों 3 ईयर की रिलैक्सेशन आपको मिल जाएगा दोस्तों। और बात की है दोस्तों इसमें जैसे कि देख पा रहे हैं ये जो भर्ती होगी दोस्तों नेशनल लेवल की भर्ती है। अगर ऐसे एग्ज़ाम होगा, ये एग्ज़ाम होगा दोस्तों कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा, उसके बाद दोस्तों आपको PET PST होगा, यानी कि फिजिकल स्पेशलिटेटेड फिजिकल मेजरमेंट इसको की जाएगी। एग्ज़ाम की बात करें तो इसमें सिर्फ आपको क्वालिफाई करना होगा। मोड ऑफ एग्ज़ाम की बात करें तो ऑनलाइन के जरिए एग्ज़ाम, मतलब किस किस लैंग्वेज में एग्ज़ाम दे सकते हैं, हिंदी एंड इंग्लिश में आपको दोस्तों एग्ज़ाम देना पड़ेगा दोस्तों। आप कोई भी राज्य से बिलोंग करते तो भी इसमें आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा हिंदी या इंग्लिश पे दोस्तों। अगर बात की इसमें हाइट की बात करें तो मेल कैंडिडेट के लिए 170 सेंटीमीटर, फीमेल कैंडिडेट के लिए 157 सेंटीमीटर, नॉर्थ एशियन कैंडिडेट के लिए इसमें दोस्तों 165 सेंटीमीटर मेल एंड फीमेल के लिए दोस्तों 152 सेंटीमीटर। चेस्ट की बात करें तो बिना फुले आपको 80 सेंटीमीटर आपकी चेस्ट में जो फुला कर 5 सेंटीमीटर इंक्रीज होना चाहिए, यानी कि 85 टोटल होना चाहिए दोस्तों। फिजिकल की बात करिए इसमें स्पेंसिव टेस्ट की बात करिए तो इसमें आपको 5 KM की रनिंग करनी है, यानी 5 किलोमीटर रनिंग करनी है दोस्तों 24 मिनट में मेल कैंडिडेट के लिए, एंड फीमेल कैंडिडेट के लिए 1.6 किलोमीटर रनिंग करना पड़ेगा 8.5 मिनट में दोस्तों। अगर बात करें तो दोस्तों इसमें जैसे कि देख पा रहे हैं ये जो भर्ती होगी दोस्तों, ये दोस्तों आप फिजिकल जो भी सेंटर आएगा उसमें आपको जाकर ये फिजिकल देना पड़ेगा। सिलेक्शन प्रोसेस की बात की दोस्तों, पहले आपका रिटर्न एग्जाम हो जाएगा, जैसे कि देख पा रहे रिटर्न पहले होगा दोस्तों, रिटर्न के बाद आपका फिजिकल टेस्ट, मेडिकल टेस्ट, इसके बाद DVN डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। अगर बात करें तो इसमें डॉक्यूमेंट की बात करें, फोटो एंड सिग्नेचर होगा चाहिए दोस्तों, लाइट कलर बैकग्राउंड, उसके बाद एजुकेशन सर्टिफिकेट 12वीं पास का आपके पास होना चाहिए, उसके बाद दोस्तों डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, और पैन कार्ड आधार कार्ड कोई है तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। तो यही थी जानकारी इस वीडियो के बारे में दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक जरूर से लाइक कर देना देना दोस्तों, और चैनल पर नहीं है सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर देना, एंड बेल आइकन प्रेस करना। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत वंदे मातरम।